नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सो आज हम अपना क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम आईपीओ साइकिल, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग के माध्यम से। डियर चिल्ड्रन, वी हैव लर्नड दैट देयर आर सेवरल डिवाइसेस अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन बी यूज्ड टू फीड इन द डेटा एंड रिसीव आउट प्रोसेस्ड डेटा और इंफॉर्मेशन एज रिजल्ट। प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा ही है कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच कर हुए होते हैं, जिनके द्वारा हम उनको इनपुट देते हैं और जिनमें से कुछ डिवाइसेज के द्वारा हम उन इनपुट का आउटपुट रिजल्ट की फॉर्म में हमें मिलता है। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल है क्या? आई बोले तो इनपुट, पी प्रोसेस और ओ बोले तो आउटपुट। सबसे पहले इनपुट दी जाती है, सीपीयू के द्वारा उसके ऊपर प्रोसेस होता है और फिर हमें स्क्रीन पे आउटपुट मिलती है। हम उसको प्रिंटर के द्वारा प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो इसके बाद इनपुट प्रोसेस यूनिट यानी कि आईपीओ साइकिल के बारे में हम थोड़ा सा इस डायग्राम के बारे हेल्प से जानकारी लेते हैं। कहते हैं इनपुट डिवाइस यानी कि टच स्क्रीन हो गया, जैसे कि आप मोबाइल भी देख सकते हो, मोबाइल भी एक टच स्क्रीन है। स्कैनर्स हैं, स्कैनर में आप कोई भी कागज़ आदि इत्यादि रखते हो, उसको स्कैन करते हो, बिल्कुल हूबहू वैसे ही पिक्चर आपके कंप्यूटर स्क्रीन में आप सेव कर सकते हो उसको स्कैन करके। MICR और बारकोड रीडर आपने मॉल्स में आदि में देखा होगा या बैंक्स में देखा होगा, ये कोड रीडर्स होते हैं। माइक्रोफोन आपको भली भांति पता ही है, वेब कैमरा भी आपको पता ही है। फिर आती है सीपीयू। सीपीयू में आता है मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, राइट। तो उसी प्रकार आउटपुट डिवाइस में जैसे प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, राइट। और स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज जिसमें आप सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो गया हार्ड डिस्क, जो आपके सीपीयू में ही होता है, जहाँ पे आप जो भी वर्किंग करते हैं वो सारा स्टोर होता है। सीडी है, ये भी एक पोर्टेबल डिवाइस है। पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, जैसे कि मोबाइल्स में यूज होता है। अर्लियर यू कम अक्रॉस द डिटेल्स ऑफ सम वाइडली यूज्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड टू कंप्यूटर सिस्टम। नाउ लेट अस स्टडी सम मोर इम्पॉर्टेंट डिवाइस इन डिटेल। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। सबसे पहले उन्होंने टच स्क्रीन के बारे में बताया। पिक्चर्स को देख के आपको क्लियर हो ही गया होगा। टच स्क्रीन इज एन इनपुट डिवाइस दैट सेंसेस मल्टीपल गेस्टर्स यूजिंग स्टाइलस और फिंगर्स। A user can control the display on screen by touching it, for example, zooming in and out. Touch screen can be commonly seen at ATMs, जिसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मोबाइल और स्मार्टफोन्स, गेमिंग कंसोल्स। कहते टच स्क्रीन क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो सेंसेस मल्टीपल गेस्टर्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार के गेस्टर संकेत या स्टाइलस के द्वारा, जैसे आप स्मार्ट बोर्ड्स पे स्टाइलस के थ्रू या फिंगर्स के थ्रू आप उसको कमांड्स देते हो, उसको रिसीव करता है। अ यूजर कैन कंट्रोल द डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन बाय टचिंग इट, फॉर एग्जांपल जूमिंग। आप स्क्रीन को जूम कर सकते हो, ठीक है, छोटा कर सकते हो, ये इस तरह से कर सकते हो। आपने जस्ट लाइक अगर हम एटीएम की बात करें, आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे देखो ऑप्शंस आती हैं। मोस्टली एटीएम्स में आजकल क्या है कि आप स्क्रीन पे टच करते हो, जो भी ऑप्शन आती है, जो भी आपको यूज़ करना है, वैसे वैसे आप टच करते जाते हो और वो कमांड्स फॉलो करते जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने स्मार्टफोन्स का आ जाता है। आपको पता ही, आप सभी आजकल स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड फोन्स यूज़ कर रहे हो। आप जो भी उसको कमांड देना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, यू आर यूजिंग इट, राइट। होप इट विल बी अंडरस्टूडेबल। स्कैनर, स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैन स्कैन और रीड डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर्स। अ स्कैनर स्कैन टेक्स्ट और इमेजेस एंड स्टोर्स इट इन कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ अ डिजिटल फाइल। स्कैनर कम्स इन डिफरेंट टाइप्स, फ्लैट बेड, हैंड हेल्ड स्कैनर एंड ड्रम स्कैनर।
भिन्न भिन्न प्रकार हैं इनकी ये एप्लीकेशंस लाइक फोटोशॉप यूज अ प्रोग्राम ट्वेन टू रीड इन द फाइल्स। फ्लैट बेड स्कैनर्स क्या होते हैं? फ्लैट बेड स्कैनर्स अलाउ यूजर्स टू स्कैन बिग एंड लार्ज साइज्ड फाइल्स। फ्लैट बेड स्कैनर्स हैव अ फ्लैट बेस्ड सॉरी फ्लैट बेस एंड कम विद अ फ्लिप अप कवर दैट मोर और लेस लुक लाइक अ फोटोकॉपियर। जो फ्लैट बैक स्कैनर्स होते हैं वो आपको बड़ी जो पिक्चर्स होती हैं बड़े साइज़ की उनको स्कैन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका शेप के बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया है, ये आप देख सकते हैं इसका पिक्चर। आपने कई जनों ने मे बी स्कूल्स में और कई आदि जैसे हॉस्पिटल्स में या कई बार ये मॉल्स में भी होता है कई जगह पर देखा होगा और अकाउंट ऑफिसेज में भी देखा होगा इस तरह के स्कैनर्स आपको दिखा देते हैं। ये इसका कवर होगा, ये फ्लैट होता है। हैंड हेल्ड स्कैनर्स, दीज स्कैनर्स आर स्मॉल एंड कैन बी हेल्ड इन हैंड। ये आपको पिक्चर दिखाई गई है, छोटे हैं हाथ में आप इनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल स्कैनर्स, द बेनिफिट ऑफ दीज स्कैनर्स इज दैट यू कैन कैरी दैम एनी वेयर अलॉन्ग विद योर सेल्फ। आप अपने साथ इसको कहीं पर भी लेके जा सकते हैं आसानी से। यू कैन स्कैन द फाइल एंड गेट इट गेट सेव्ड, और जो भी आप फाइल स्कैन करते हैं वो सेव हो जाती है, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं MICR के बारे में। MICR का सबसे पहले फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और या फिर इसको रीडर भी बोल देते हैं, मैं रीडर ही बोलता हूँ मोस्टली। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी मेनली यूज टू रीड एंड प्रोसेस चेक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। आपने कई बार मे बी पढ़ा है, देखा है या नहीं देखा है, आपने देखा होगा कि जस्ट लाइक आपके पेरेंट्स के चेक के माध्यम से कोई पेमेंट करते हैं तो चेक पे नीचे कुछ अक्षर इस तरह से एम्ब्रॉयड हो रखे होते हैं जिसको हम बोलते हैं चेक नंबर, इस वे में होते हैं, राइट। तो वो होते हैं एम्ब्रॉयड उस पर। फॉर एग्जाम्पल द 9-digit कोड एट द बॉटम ऑफ द बैंक चेक, राइट। यहाँ पे इसमें दिखाया गया, अब ये जैसे 9 है, राइट, इसकी एक शेप अलग होती है। MICR रीड्स अ यूनिक कैरेक्टर सेट विच इज प्रिंटेड यूजिंग अ स्पेशल मैग्नेटिक इंक। मीन्स ये कैरेक्टर एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। जब इनको स्कैन किया जाता है पता चल जाता है किस व्यक्ति के अकाउंट से इसको रिमूव करना है, मीन्स अमाउंट को डिडक्ट करना है। MICR वाइडली यूज्ड एट बैंक्स एंड फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट, राइट। अब आगे आती है बारकोड रीडर। Barcodes are set of special dark lines that are printed on various products which can be read using a barcode reader. A BCR is an electronic device used to read barcodes data to the computer. Like scanners, it analyzes the barcode on the source with the help of sensor and sends the code to the scanner's output port. Barcodes are widely used at shopping malls, superstores and vending machines. ये देखिए, आपने देखा होगा जब आप कोई चीज परचेज करना जाते हैं तो पीछे चाहे किताबों के लगा लो चाहे कैसे भी, ये कुछ ना ऐसे लाइंस लगी होती हैं, इनको बोलते हैं बारकोड। और आपने ये मोस्टली मॉल्स में देखे होंगे ये बारकोड रीडर्स, वो उसको स्कैन करते हैं, राइट। इसके द्वारा स्कैन करने के माध्यम से उन पे सारी उस प्रोडक्ट की डिटेल आ जाती है, राइट। फिर आता है माइक्रोफोन, ये माइक है या माइक्रोफोन अलग तरह के कई प्रकार के आते हैं, कई शेप्स में आते हैं। माइक्रोफोन और माइक इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। माइक्रोफोन्स आर यूज्ड इन मैनी एप्लीकेशंस लाइक टेलीफोन, definitely, but when attached to computer machine it can be used to record voice, speech recognition or VoIP, right? Like आप मेरे example ले सकते हो, इस समय मैं जो भी बोल रहा हूँ with the help of microphone बोल रहा हूँ और मेरी आवाज record हो रही है और आपके पास video के माध्यम से पहुँच रही है, right? Web camera, कैमरे से आधी चीज तो क्लियर हो ही जाती है, है ना। तो ये वेब कैमरा है। अ वेब कैम इज अ वीडियो कैमरा दैट स्ट्रीम्स वीडियोस और इमेजेस इन रियल टाइम थ्रू अ कंप्यूटर और अ कंप्यूटर नेटवर्क।
इट इज यूजली अटैच टू अ कंप्यूटर मशीन विद अ यूएसबी केबल. एक यूएसबी केबल के थ्रू इसको अटैच किया जाता है. जस्ट लाइक हम कोई वीडियो चैटिंग करते हैं या कोई कॉन्फ्रेंस करनी है तो उनके लिए आमतौर पर वेबकैम यूज़ किया जाता है. राइट, ये थे हमारे इनपुट डिवाइसेस. अब बढ़ते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. आउटपुट डिवाइसेस, एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज और हेल्प्स टू कम्युनिकेट द एंड रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग इन अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. आई थिंक वेरी क्लियर. प्रोजेक्टर, आपने देखा होगा, आप जैसे क्लासरूम्स में बैठते हो तो वहाँ पे प्रोजेक्टर लगे होते हैं, उनमें से कुछ रेज निकलती हैं, आपके स्मार्ट स्क्रीन पे पड़ती हैं और वो स्मार्ट स्क्रीन पे जो भी आप डेटा शो करना चाहते हैं उस पर डिस्प्ले होता है. यही प्रोजेक्टर का काम होता है. माने कि जो कंप्यूटर इनपुट है वो प्रोजेक्टर के माध्यम से वो आउटपुट दे रहा है एक स्क्रीन पर. A projector displays the computer screen onto a large projection surface, often used in business meetings to give presentations. आपने थिएटर्स में भी देखा होगा जो स्क्रीन पे बड़ा सारा स्क्रीन शो होता है मूवी का, वो प्रोजेक्टर्स के माध्यम से ही होता है. In movie theaters, projection is done using a projector, right? आइए प्रिंटर्स के बारे में पढ़ते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. आप जो भी वर्कशीट्स प्राप्त करते हैं इत्यादि प्रिंटर के माध्यम से ही होती है. सबसे पहले पढ़ते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पिक्चर. सच प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर्स बाय फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन अ हेड एंड अ नीडल अगेंस्ट एन इंक रिबन. इसके बीच में एक रिबन होता है, वो चलता जाता है, उसके माध्यम से इसकी प्रिंटिंग होती है. विच इज देन प्रेस्ड ऑन टू अ शीट ऑफ पेपर. शीट पेपर की शीट पे प्रेस कर करके इसको प्रिंट करता है. ये आप मोस्टली आप देखोगे जैसे स्टेशन वगैरह पे यही यूज होते हैं. सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर रिलेटिवली लेस कॉस्ट. इसकी कॉस्ट कम होती है. वेरी नॉइजी वाइल रनिंग, परंतु जब ये चलते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं. मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर कैरेक्टर प्रिंटर्स विच प्रिंट सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम, इंक्लूडिंग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स एंड डेजी व्हील प्रिंटर्स. ये सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स को करते हैं, जस्ट लाइक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स आ गए. अकाउंट पर्पसेस में बैंक्स में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स यही यूज होते हैं. यही होता है. One of the most widely used printers is the dot matrix printer. These printers have low printing cost and relatively easy operations. फिर आते हैं ड्रम प्रिंटर. यहाँ पे शो किया गया ये it consists of solid cylinder that has raised characters on its surfaces which in turn divided into tracks. ये drum printers हम उनके लिए भी use करते हैं जो बड़े जैसे कोई maps हो गए या कुछ print करना हो तो. Non-impact printers के बारे में हम बात करते हैं. As the name suggests, non-impact printers print the characters without physical contact with any ribbon and are hence quieter. क्वाइटर बोल बस हो रहे क्विटर नहीं क्वाइटर राइट. टू मेजर टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर्स. आपने स्कूल में देखा होगा जो आपका प्रिंटर लगा हो लेजर प्रिंटर है राइट. शोर नहीं होता ज़्यादा, होता ही नहीं, ना के बराबर ही होता है राइट. और बड़ी फास्ट प्रिंटिंग हो जाती है. लेजर प्रिंटर, दीज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एम्प्लॉय यूज ऑफ गाइडेड लेजर बीम टू प्रिंट कैरेक्टर्स ऑन पेपर. लेजर प्रिंटर्स यूज टोनर कलर और ब्लैक इंक पाउडर इंस्टेड ऑफ लिक्विड इंक्स. लेजर प्रिंटर्स कैन प्रिंट अप टू 21,000 लाइंस पर मिनट. देख लो कितना फास्ट है. इंकजेट प्रिंटर्स डू प्रिंटिंग्स बाय स्प्रेइंग इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक थ्रू टाइनी नोजल्स एंड अरेंजिंग दैम इन टू कैरेक्टर्स. इंक इज अब्सॉर्ब इन टू द पेपर. पेपर में इंक अब्सॉर्ब की हो जाती है एंड ड्राइज इन एन इंस्टेंट. कुछ ही क्षणों में वो सूख भी जाती है. मल्टीपल कलर इंक्स कैन बी यूज मीन्स कलर्ड प्रिंटर जो होते हैं उसके लिए इंकजेट प्रिंटर ही हम यूज करते हैं. फिर आते हैं प्लॉटर्स. जैसे आपने देखा होगा कि जैसे फ्लेक्स वगैरह प्रिंट होती है ना, वो प्लॉटर्स के थ्रू ही होती है. प्लॉटर्स आर अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रिंटर्स यूज्ड टू प्रिंट डायग्राम्स एंड बैनर्स. पिक्चर्स आर ड्रॉन ऑन अ पेपर यूजिंग अ पेन और पेन नाइफ. प्लॉटर्स आर वाइडली यूज्ड वाइडली यूज्ड
दे आर यूजली यूज फॉर कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD इसको फुल फॉर्म है, एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरर्स मैन्युफैक्चर एप्लीकेशन टू प्रिंट ब्लू प्रिंट डिजाइन ऑफ शिप्स मशीनरीज बिल्डिंग्स और फ्लेक्स आदि भी आप कह सकते हो. स्पीकर्स, आई थिंक यू आर नोन टू इट, जिससे हम कोई साउंड सुन सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, वायरलेस भी होते हैं, वायर वाले भी होते हैं. स्पीकर्स आर यूज टू लिसन साउंड फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम. व्हेन यू आर वॉचिंग अ कार्टून फिल्म और प्लेइंग गेम और रनिंग अ प्रेजेंटेशन हैविंग साउंड फाइल, यू नीड टू हैव अ स्पीकर अटैच टू योर कंप्यूटर सिस्टम टू लिसन द वॉइस ऑडियो. नेचुरली आपको पता ही, कंप्यूटर के साथ अगर आप स्पीकर अटैच करते हो तो उसमें जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा आप इजिली उसको सुन सकते हो. एक एक्टिविटी दे रखी है, मैच द फॉलोइंग. ईजिली आपको पिक्चर्स के साथ मैच करना है, इनके नाम के साथ रिकॉग्नाइज करना है, यू कैन ईजिली डू इट. चैप्टर रिव्यू ले लेते हैं हम. अब एक कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम टेल्स अस कंप्यूटर व्हाट टू डू. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो कंप्यूटर को बताता है कि उसने करना क्या है, कैसे करना है और कब करना है. टच स्क्रीन कैन बी सीन एट ATMs, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, मोबाइल और स्मार्टफोन्स, गेमिंग कंसोल्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स. स्कैनर इज अ डिवाइस दैट कैन स्कैन और रीड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पिक्चर्स विच कैन बी स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फाइल. Barcodes are set of special dark lines that are printed on various products which can be read using a barcode reader. Digital camera is a device that takes and stores the photos digitally in its memory. Projector is an output device that projects or displays the computer screen onto a large projection surface. Oftenly these are used at movie theaters and business presentation meetings. Plotters are very big size printers used to print diagrams and banners, widely used by architects and CAD/CAM users. राइट, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. आशा है आपको समझ आएगा, इसको जरूर पढ़िए, समझिए. अगर धन्यवाद.